पहले बीकानेर में 1.5 बीघा जमीन लगभग 100 फीट तक की गहराई में धंस गई, फिर बाड़मेर में 3 किलोमीटर लंबी धरती फट गई। इन दोनों के बाद झुंझुनू में जमीन से बुलबुले उठते दिखाई दिए और झुंझुनू के बाद अजमेर में दरगाह बाजार के पास जमीन के धस जाने से निर्माणधीन मकान गिर गया। लेकिन अब इन सब के बाद कुदरत की तबाही का मंजर जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में देखने को मिला है, जहां उधमपुर के चैनानी इलाके में जमीन के धसने से स्थानीय लोगों में दहशत पैदा हो गई है। हजारों लोगों की आबादी वाले चैनानी के तंधार गांव में 2 साल पहले भी भूस्खलन आया था। उस समय इतना नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन इस बार जब से रामबन में जमीन धसने का मामला सामने आया है, इस कारण 500 लोग बेघर हो गए। तभी से तंधार के लोगों को ज्यादा डर सताने लगा है। साड़ी आज 4-5 दिन हुए जमीन चलना साड़ी शुरू हुई, बारिश हुई पहले बारिश कोला, फिर निम्बल हुए, हुन 5-6 दिन हुए साड़ा माल भी अंदर है, बच्चे स्कूल जंदे वो भी नहीं जाई सकते, अस भी नहीं जाई सकने, असें बड़ी परेशानी है। जिसले राती तो सोने क्या सोना थोड़ा गला ठीक रहंदा इत्थे इत्थे कियां रहना असें ठीक, असें बड़ा डर लगा दस साडे मकान भी जा दे साडे मकान अंदर बड़े त्रस गए उठी अस कियां रहूं अस नहीं रह सकते असें बहुत परेशानी है बच्चे दी महल्ले दी अपनी बड़ी परेशानी है जमीन साड़ी सारी तरसी दी। वहीं प्रशासन ने उच्च स्तरीय टीम का गठन किया है ताकि पता चल सके कि जो भूमि सिंक हो रही है उसके पीछे क्या वजह है। आज हमने इसको देखा कि यहाँ पे ये एरिया जो है ये स्लाइड हो रहा है, इसमें मेजर पार्ट जो है फॉरेस्ट का एरिया है, लेकिन साथ में जो 2-3 घर हैं वो उनमें भी घरों में और उनकी जो ज़मीन है उसमें भी क्रैक्स आए हुए हैं। मैं आज ही इस पे एक कमेटी का गठन करूँगा और उनको विद इन वीक्स टाइम जो है वो रिपोर्ट करेंगे। यहाँ पे जिन 1-2 घरों में थोड़ा सा इशू है, हमने उनको इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं कि वो जिस पार्ट में क्रैक्स आए हैं वहाँ ना रहें वो, बाकी जो है मैं वर्दी DC मैडम से भी बात करके उनको अप्रेज करूँगा और उनसे गाइडलाइंस ले लूँगा। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की टीम ने रामबन में हुई घटना को प्राकृतिक आपदा बताया, साथ ही सलाह दी कि इस क्षेत्र से लगभग 1.2 किलोमीटर तक कोई भी न रहे, वहां भी आपदा आने का डर है। इससे पहले रामबन जिले के प्रणौत में भी लोगों के घरों में दरारें आई थी, जमीन धंसने के कारण 58 से ज्यादा घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए थे, जबकि इससे पहले राजस्थान में जगह जगह इसी तरह की असाधारण घटनाएं देखने को मिली, जिसके बाद GSI की टीम ने 6 दिन की जांच के बाद अपनी रिपोर्ट सौंपी और इसकी वजह पानी का रिचार्ज न होना बताया गया। अब जम्मू कश्मीर के रामबन में इस तरह की घटना सामने आने से ये घटनाएं गंभीर हो गई है। इस तरह की घटनाओं पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और राजस्थान से जुड़ी हर खबर के लिए TV9 राजस्थान को सब्सक्राइब करें।